सर्जरी के बाद अब कैसी है निशा की हालत। निशा के दोस्त रोहित ने दी उनकी सर्जरी को लेकर एक बड़ी अपडेट। वेल, क्या कहा है रोहित ने, आइए जानते हैं। टीवी इंडस्ट्री का जाना माना कपल निशा रावल और करण मेहरा की लड़ाई ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। खबरों की माने तो करण मेहरा ने अपनी पत्नी के साथ हाथापाई की थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। इस हाथापाई में निशा का सिर फूट गया है और उनकी सर्जरी हुई है। निशा ने मीडिया के साथ अपना दर्द शेयर किया था, जिसके बाद हर कोई उनके साथ खड़ा हुआ है। निशा की चोट की तस्वीरों ने सभी को परेशान कर दिया है और फैंस ये जानने के लिए बेचैन हैं कि उनकी तबीयत अब कैसी है। निशा रावल के दोस्त रोहित ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि निशा की सर्जरी ठीक हुई है और वो घर पर आराम कर रही है। रोहित ने एक इंटरव्यू में बताया, निशा की तबीयत अब ठीक है, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है, वो अपने घर पर अब आराम कर रही है। उसकी सर्जरी अच्छी गई और उसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोहित ने बताया है कि निशा के सिर पर टांके लगे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के सही इलाज से हालत में सुधार हो रहा है। निशा रावल की चोट देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका साथ दे रही हैं, लेकिन करण का इस पूरे मामले पर अलग ही बयान है। करण ने निशा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके खिलाफ झूठी कहानी रची है। करण ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि निशा ने खुद को चोट पहुंचाई है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। निशा रावल और करण मेहरा का मामला अब कोर्ट में है, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। वेल, अब कौन कितना सही है और कितना गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।